नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। बिष्टुपुर करबला में एक युवती को जंजीर से बांध कर किया गया कई दिनों तक कुकर्म। पुलिस मेडिकल जांच की तैयारी कर मामले की छानबीन कर रही है। बारागोड़ा में 40 घरों में घुसा पानी, गांव के बाहर संपर्क टूटा, प्रभावित परिवार दाने दाने को मोहताज। जेपीएससी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा केंद्रों का डीसी सूरज कुमार ने लिया जायजा। और किन्नरों ने की अपने कुल देवी खुदुरकोने की पूजा, 3 दिनों तक चलेगी पूजा। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित करबला से बरामद युवती को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। लोगों ने मामले में जिला प्रशासन से जांच कर दोषियों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वही जमशेदपुर के सीसीआर डीएसपी अनिमेश गुप्ता ने बताया कि युवती बीमार थी और उसका दिमागी संतुलन सही नहीं था। उसके परिजन करबला में इलाज करवा रहे थे। वैसे युवती से बात करने से ऐसा नहीं लग रहा कि उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। उसके अनुसार करबला में वह पिछले 20 दिनों से प्रताड़ित हो रही थी। उसे जंजीर में जकड़ कर रखा गया था और उसका शारीरिक शोषण किया जा रहा था। फिलहाल पुलिस युवती के बयानों के आधार पर मेडिकल कराने की तैयारी करते हुए मामले की जांच शुरू करने का दावा कर रही है। आपको बता दें कि रविवार को बिष्टुपुर करबला से लोगों ने जंजीर से लड़की को मुक्त कराया, जिसे बिष्टुपुर पुलिस के हवाले कर दिया गया। युवती परसुडी मकदमपुर की रहने वाली है और उसका नाम प्रीति है। युवती के अनुसार रफीक नामक शख्स उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। प्रीति बताती है उसके साथ जो जाति हुई है उसका उसे आभास नहीं है। संभवतः उसे बेहोशी की दवा खिलाकर उसके साथ गलत हरकत किया जा रहा था। वहीं पूरे घटनाक्रम को लेकर लोग आक्रोशित हैं। वाला गैरेज के पीछे में एक अनलीगल करबला जो बनाया गया है, वहां पर झाड़ फूक करके वहां पर जो है हिंदू परिवार का धर्मांतरण किया जा रहा है लगातार, ठीक है। इसका लेके हमारी टीम जो है वहां पर आज सुबेरे गई है और 2 लड़की को बरामद की है, जिसमें दोनों लड़की को पुलिस को सौंप के उनको अनुसंधान किया जा रहा है। डीएसपी साहब को भी बोला गया, बिष्टुपुर थाना प्रभारी जी को बोला गया, जिसमें वहां पर फोर्स भेजे और फोर्स भेजने के बाद में वहां से लड़की बरामद हुई। लड़की की स्थिति बहुत ही दयनीय है, लेकिन उसके माँ बाप का ब्रेन वॉश किया गया है धर्मांतरण को लेके, ठीक है। तो जो कि बयान उल्टा के साथ या लड़कियों के साथ वहाँ पर इलाज के नाम पे तरह तरह के शोषण किए जा रहे हैं, जैसा कि आज विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज वहाँ से 2 लड़कियों को मुक्त कराया गया है। मुक्त के क्रम में देखा गया कि लड़कियों को लोहे के जंजीर से बांधा गया है, और जब उस लड़कियों से हम लोगों की जब बात हुई तो उनके द्वारा जो बताया गया है कि उनको मानसिक रूप से शारीरिक रूप से उनका शोषण किया गया है। मानसिक रूप से स्थिति ठीक नहीं है, जैसा कि उसका पिताजी है, बहन है साथ में, और वो बच्ची करबला के पास से मिली थी, उसको थाना लाया गया है। इस संबंध में उसका गार्जियन द्वारा आवेदन वगैरह थाना में दिया जा रहा है कि उसका बच्ची का इलाज हो रहा था और वो अंधविश्वास के इति में करबला में इलाज कराने के लिए आया था, क्योंकि उसकी छोटी बच्ची का तबीयत वहीं से ठीक हुआ था। उसी क्रम में कुछ लोग उसको देखा था और थाना को खबर किया, तो थाना में लेके आया गया है। इस संबंध में जांच चल रहा है, जांचों उपरांत बच्ची किस हालत में मिली थी करवाई की बच्ची किस हालत में मिली गई थी, वो थाना प्रभारी लोग लाए थे, उस समय हम मौजूद नहीं थे, लेकिन जैसे बताया कि बच्ची का जो है उसको सीकड़ बना हुआ था उसके बाद लाया गया था, लेकिन उसका परिजन का कहना है कि वो हमें लोग बहुत वायलेंट हो गई थी, इसलिए हम लोग उसको भागे। इसके बाद आपका क्या काम है? वो उसका मेडिकल कराएगा, थाना जैसा आवेदन देगी, आवेदन उसका गार्जियन जैसा आवेदन देगा तदनुसार हम तक। इधर बहरागोड़ा प्रखंड के कुमारडूबी पंचायत के 40 घरों में बारिश का पानी घुसने से लोगों में परेशानी बनी हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि प्रतापपुर व मलकुंडा गांव के 40 घरों में पानी घुसा है। एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाला रास्ता तालाब में तब्दील हो गया है, जिसे रोजमर्रा के कार्य में दिक्कत हो रही है। रोज कमा के खाने वाले लोग काम के लिए नहीं निकल पा रहे हैं।
लगातार बारिश होने से गांव के लोगों के सामने कई समस्याएं आ रही है। ग्रामीणों ने यहां ब्रिज बनाने की मांग की है। वहीं सूचना पाकर एमजीएम जमशेदपुर सह एनजीओ संपूर्ण मानवता कल्याण संघ के अध्यक्ष डॉक्टर संजय गिरी गांव पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने ग्रामीणों के लिए सूखा राशन, बच्चों के लिए बिस्कुट और बुजुर्गों के लिए दवाइयों का वितरण किया। और प्रतापपुर गांव का बीच में एक बारिश का कंटिन्यूसली बारिश होने का कारण में एक टापू बन गया है, जो रोज काम इनका पूरा ठप हो चुका है, बंद हो चुका है। जो आने वाला रोड है, इनका जो कनेक्टिविटी होता है, ये बंद हो गया है। तो हम लोग चाहते हैं कि आज सरकार से कि एक ब्रिज का एक निर्माण करें। हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं पूरा गाँव वालों का तरफ से, पूरा देश झारखंड का तरफ से, कि हम लोग का एक झारखंड एक ये छोटा सा बारिश होने के कारण में हम लोग का रोज़ का काम बंद ना हो, क्योंकि रोज़ का काम बंद होने से रोज़ कमाने खाने वाला को बहुत तकलीफ होता है। उनका घर पालने के लिए, घर चलाने के लिए बहुत ही तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। अभी भी देख रहे हैं कि रोड में पूरा पानी भर गया, टापू बन गया, तो रोड ही नहीं है। आदमी सब आधा पूरा गला तक पानी आ चुका है, उसमें भीग के आदमी आना जाना कर रहे हैं। तो ये हम लोग का बहुत ही गंभीर समस्या है कि अभी भी हम लोग का जो देश इतना आगे बढ़ गया है, आज इतना पीछे, एक हम लोग का पीछे अभी भी देश है। तो इसीलिए सरकार से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक ब्रिज का जल्दी से ही इनका निर्माण किया जाए। धन्यवाद। उधर जेपीएससी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2021 का सफलतापूर्वक आयोजन जिले में किया जा रहा है। जिला उपायुक्त सूरज कुमार ने शहरी क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न सेंटर का निरीक्षण कर विधि व्यवस्था के संधारण का अवलोकन किया तथा पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिले में 110 सेंटर बनाए गए थे, 4407 परीक्षार्थी शरीक हुए। जेपीएससी द्वारा आयोजित प्रारंभिक प्रतियोगिता रविवार को शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न हुई। जेपीएससी एग्जामिनेशन के लिए पूर्वी सिंहभूम जिला में 101 सेंटर बनाए गए थे, जिसमें 43,250 कैंडिडेट्स जो हैं वो अपीयर हो रहे थे एग्जामिनेशन में। जो मोर और लेस अभी सेंटर्स का आउटकम है वो है कि ऑलमोस्ट 40-50% कैंडिडेट जो है, जिन्होंने नॉमिनेशन अपना डाला था, उसके अगेंस्ट 40-50% अटेंडेंस है। तो लगभग 15-20 हज़ार कैंडिडेट हैं जो एग्जामिनेशन में अपीयर किए हैं। सारे सेंटर्स का एग्जामिनेशन पीसफुल तरीके से चल रहा है। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर सिटीज़ की नेतृत्व में एक एक बारीकियों की जांच की गई थी। और गुड नेम मैम सबीहा यूनुस। यस। और मेरे यहाँ दो सिटिंग में जो है तो जेपीएससी एग्ज़ाम है जमशेदपुर वुमेंस कॉलेज में। एक हमारे जो है तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट दोनों जो है तो आ गए थे 8 बजे ही, और हमारा जो है तो एकदम टाइमली हर चीज़ स्मूथली ये खुला क्वेश्चन ओएमआरशीट एंड क्वेश्चन पेपर सब रूम में डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया और टाइमली स्टार्ट हो गया हमारा एग्ज़ाम। अभी तक तो कोई ऐसे स्टूडेंट नहीं मिले हैं जिनको कि कोई प्रॉब्लम हो, सब जगह। किन्नरों ने अपने कुल देवी खुदुरकोनी माँ की पूजा अर्चना की और सुख शांति की कामना की। कंचना नामक किन्नर ने बताया कि किन्नरों की कुल देवी खुदुरकोनी माँ की पूजा की जा रही है। यह पूजा 3 दिनों तक की जाती है, 3 दिनों बाद विसर्जन किया जाता है। किन्नरों ने बर्मा माइंस ट्यूब गेट से कलश यात्रा निकाली, नदी में जल बोझ कर किन्नरों ने कुल देवी की पूजा की और सभी के सुख शांति की कामना की। देवी खुदुरकुनी माँ के नाम से हम लोग हर साल कलश लाते हैं। क्या चीज़ का? सुबह खुदुरकुनी माँ का
हम किन्नर बहनों का कुलदेवी पूजा है ये, तो अभी इसी का कलश यात्रा निकल रहा है। आज से 3 दिन तक पूजा चलेगा, बुधवार का दिन विसर्जन होगा। क्या क्या होता है इसमें? इसमें पूजा में हर तरफ का जो भी जिनका मनोकामना है, पूरी दुनिया के लिए, पूरी समाज के लिए हम लोग ये पूजा कलश यात्रा करते हैं। और ये घराना पूजा हमारा कुलदेवी का पूजा होता है। इसमें सभी का मंगल काम के लिए जितने भी हमारे जजमान है, अन्नदाता है, जो भी है, उन्हीं की वजह से हम लोग ये पूजा का अर्चना करते हैं। कहाँ जाते हैं फिर यहाँ से? ये बर्मा माइस ट्यूब कंपनी का, वहीं सब लोग आते हैं। हाँ, वहाँ से हम लोग आई हुई है और वहीं अभी हम लोग कलश लेके जा रहे हैं। कितने कलश हाँ। अभी नहीं भी तो अभी 15 से 20 कलश है यहाँ। ये हर साल आप लोग करते हैं? ये हर साल हमारा घराना पूजा, ये कुलदेवी का पूजा है। इससे क्या होता है? इससे सारी दुनिया का शांति, सारी दुनिया के शांति के लिए हम बहनों का आशीर्वाद अच्छा रहे, जजमान हमारे अच्छे रहे, इसी तरह हम लोग ये पूजा को करते हैं, कुलदेवी का पूजा। आपका नाम? मैं कंचना किन्नर। नमस्कार। देश में बढ़ती महंगाई, किसान आंदोलन, श्रम कानून में बदलाव और MSP लागू किए जाने की मांग को लेकर वाम दलों ने आगामी 27 सितंबर को भारत बंद बुलाया है। इसको लेकर पूर्व सांसद सह CPI नेता भुवनेश्वर मेहता रविवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बंदी को लेकर संगठन के नेताओं से रणनीति बनाई। जानकारी देते हुए श्री मेहता ने बताया कि 27 सितंबर को होने वाली बंदी को लेकर देश के तमाम विपक्षी दल एक मंच पर आ रहे हैं। इसको लेकर सभी विपक्षी दलों के साथ वार्ता चल रही है। शांतिपूर्ण तरीके से बंद कराया जाएगा, रेल और सड़क मार्ग को भी बंद किया जाएगा, जिसमें देश भर के किसान, मजदूर और कामगार हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण देश के लाखों मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं। किसान लगातार धरने पर बैठे हैं, हर तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है। ऐसे में विपक्षी एकता का परिचय देते हुए 27 सितंबर की बंदी को सफल बनाया जाएगा। ऑल इंडिया किसान संघर्ष समिति ने भारत बंद करने का आह्वान किया है। उनकी मांग पुरानी मांग है, तीनों जो कृषि काला कानून है उसको वापस करो, MSP का कानून बनाओ। लेकिन 9 महीना बीतने जा रहा है, अभी तक केंद्र सरकार ने कुछ किया नहीं। केंद्र सरकार की समझ थी कि शायद ये किसान का आंदोलन धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा और अपने आप किसान यहां से चल जाएंगे, लेकिन किसानों का आंदोलन और मजबूत हुआ है। अभी मुजफ्फरनगर में जो महापंचायत हुआ किसानों का, 7-8 लाख लोग जमा हुए, वह साबित कर दिया कि पूरे देश के किसान इन किसानों के साथ हैं, किसान के मांग के साथ हैं। हमने झारखंड में भी किसान कन्वेंशन किया भी और हमने तय किया है कि पूरा झारखंड बंद रहेगा। किसानों के समर्थन में जितने किसान संगठन वो तो बंद करेंगे ही, वामदल एवं अन्य जो विपक्षी पार्टियां हैं देश की, वह भी साथ में चलेगी। श्रीमती सोनिया गांधी ने दिल्ली में मीटिंग बुलाई जिसमें 19 दल के लोग गए थे, CPI CPM के भी नेता कॉमरेड डी राजा, सीताराम येचुरी उसमें साथ थे और उन्होंने तय किया है कि 27 सितंबर के आंदोलन का हम लोग बंद का समर्थन करेंगे। इधर जमशेदपुर से 30 किलोमीटर दूर प्रकृति के गोद में बसा दरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहां काफी संख्या में हाथी पाए जाते हैं और हाथियों का सबसे बड़ा संरक्षण भी माना जाता है, वहीं दूर दराज से पर्यटक भी यहां घूमने आते हैं। देखिए सिटी न्यूज के वरिष्ठ संवाददाता विनोद केसरी की खास रिपोर्ट। प्रकृति के गोद में बसा दरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को देखने भारत के हर राज्यों से पर्यटक घूमने आते हैं। बताया जाता है हाथियों का सबसे बड़ा संरक्षण का केंद्र भी माना जाता है और काफी संख्या में हाथी पाए जाते हैं। इसके अलावा मोर, जंगली सुअर, हिरण, बंदर, खरगोश, भालू और तमाम प्रकार के पक्षी भी पाए जाते हैं। वहीं पर्यावरण विभाग द्वारा दलमा के कच्चे मुख्य सड़कों पर जंगली जानवर के पोस्टर भी लगाया गया है, ताकि लोगों को मालूम हो सके कि इस दलमा के घने जंगलों में कौन कौन सा जानवर निवास करते हैं। वहीं पर्यावरण वन विभाग द्वारा जंगल को आग से बचाने के लिए लोगों को जागरूक के लिए तमाम जगह पर पोस्टर भी लगाया गया है, ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे। दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यदि आप घूमने आते हैं तो अपने पूरे परिवार के साथ आइए और दलमा का प्राकृतिक वादियों का आनंद लें। चलते हैं दलमा सेंचुरी, जहां जमशेदपुर से 30 किलोमीटर की दूरी पर बसा
हाथियों को सबसे बड़ा संसार। जी हाँ, यह बात सही है। काफ़ी संख्या में डलमा सेंचुरी में हाथी पाए जाते हैं और काफ़ी दूर दराज से लोग इस डलमा सेंचुरी को देखने आते हैं। यह डलमा जंगल में तमाम जीव पाए जाते हैं, हाथी बड़े संख्या में पाए जाते हैं। इसके अलावा भालू, मोर, बंदर, तमाम जो जीव हैं, काफी सुंदर जगह है। यदि प्रकृति से प्रेम करते हैं, यदि हरे भरे वादियों के साथ प्रेम करते हैं, तो डलमा आना ना भूले। यदि आप जंगली जानवरों से प्यार करना चाहते हैं, तो जंगल में कभी आग ना लगाएं, बल्कि जंगल को सुरक्षित रखें, क्योंकि जंगल रहेगा तब जानवर भी जंगल में ही रहेंगे। मोर, भालू, हिरन, हाथी, तमाम प्रकार के जो जंतु है, सब जंगल में रहते हैं। इसीलिए मेरे लोगों से अपील है कि जंगलों में कभी आग ना लगाएं, और पर्यावरण विभाग द्वारा भी बार बार अपील की जाती है कि जंगलों को बचाएं। तो देखा आपने, प्रकृति के गोद में बसा डलमा काफी खूबसूरत जगह माना जाता है। दूर दराज से पर्यटक आते हैं और इस डलमा का सैर करते हैं। तमाम प्रकार के जीव जंतु यहाँ देखने को मिलती है। तो आप भी अपने परिवार के संग जरूर डलमा आए और इस प्राकृतिक जो वादियां हैं, इनका मनोरंजन लीजिए और तमाम जीव जंतु को देखें। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है, आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ। मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता, फर्स्ट फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 06572956158। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। पूर्व राज्यसभा सांसद और ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज के अध्यक्ष अली अनवर अंसारी शनिवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने देश में जातीय जनगणना के साथ सामुदायिक जनगणना की मांग की है। उन्होंने बताया कि सभी समुदायों का जनगणना अनिवार्य हो गया है। आजादी से पूर्व किए गए जनगणना के आधार पर ही अब तक जातीय समीकरण राजनीति में हावी है। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी जातीय समीकरण के आधार पर तय किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सभी धर्म एवं संप्रदायों में कई वर्ग हैं। उनका सटीक डाटा ना तो केंद्र सरकार के पास है और ना ही राज्य सरकार के पास। ऐसे में केवल इंसानी जनगणना नहीं बल्कि सभी कौम एवं सभी जातियों की जनगणना अनिवार्य हो गई है। उन्होंने इसको लेकर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखने की बात कही है, साथ ही सभी सरकारों से इस दिशा में पहल करने की मांग की है। मुस्लिम महाज की तरफ से और उसकी जो पूर्वी सिंहभूम जिला इकाई है उसकी तरफ से यह आयोजित है और हम लोग पूरे देश में जाति जनगणना को लेकर के एक मुहिम हम लोगों ने छेड़ रखा है। आप जानते हैं कई पॉलिटिकल पार्टियां जाति के आधार पर जनगणना कराने की मांग कर रही है, उसमें यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन साहब भी एक डेलीगेशन लेकर के प्रधानमंत्री से मिलने वाले हैं। लेकिन हम लोगों का इसमें कहना यह है कि भाई जाति जनगणना की बात तो हो रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि मुस्लिम की उसमें गिनती की बात डिस्कोर्स में अभी तक नहीं आई थी।
तो हमारा हमारे कहने का मतलब है कि सभी की जनगणना होनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड सभी की जनगणना होनी चाहिए, ताकि जब सभी की जनगणना होगी तभी ना पता चलेगा कि कौन कितना आगे बढ़ा है, कौन कितना पीछे छूटा है, किसको मदद की जरूरत है, ये तभी पता चलेगा। उसके मुताबिक सरकारी योजनाएं बनेंगी कि कमजोर लोगों को और आगे बढ़ाया जाए। इधर आगामी 23, 24 और 25 सितंबर को जमशेदपुर के एग्रीको क्लब में 3 दिवसीय निशुल्क हृदय जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये शिविर नम्या स्माइल फाउंडेशन कोशिश एवं कोलकाता के फोर्टिस अस्पताल की ओर से आयोजित की जा रही है। इनमें ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है, साथ ही पूरी प्रक्रिया निःशुल्क रहेगी। इसकी जानकारी देते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुणाल षडंगी ने बताया कि इस शिविर में पूर्वोत्तर के पहले हृदय ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर के मंधाना एवं फोर्टिस अस्पताल की उनकी सहयोगी डॉक्टर असीमा भटलोक मरीजों का जांच कर उन्हें परामर्श देगी। कुणाल षडंगी ने बताया कि डॉक्टर मंधाना झारखंड के ही रहने वाले हैं। 23, 24 और 25 सितंबर को एग्रीको क्लब में 3 दिवसीय निःशुल्क हृदय जांच स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें नम्या स्माइल फाउंडेशन कोशिश और कोलकाता के फोर्टिस अस्पताल के संयुक्त तत्वाधान में इस स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। आपके माध्यम से जमशेदपुर की जनता से हम सभी आग्रह करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस शिविर में भाग लेकर इसका लाभ उठाएं। इसमें और डॉक्टर एसपी फाउंडेशन जमशेदपुर की ओर से बिष्टुपुर स्थित एक होटल में 38वें अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का विषय कोविड-19 है। सेमिनार के दूसरे दिन यानी रविवार को जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने शिरकत की। जानकारी देते हुए फाउंडेशन के डायरेक्टर डॉक्टर टीके चटर्जी ने बताया कि सेमिनार का उद्देश्य होम्योपैथिक चिकित्सा को एलोपैथिक चिकित्सा की तर्ज पर मान्यता दिलाना है। साथ ही उन्होंने कोरोना रोधी वैक्सीन कोवैक्सीन कोविशील्ड और स्पुतनिक की तरह होम्योपैथिक मेडिसिन आर्सेनिक R30 को भी मान्यता देने एवं वैक्सीनेशन की अनिवार्यता को समाप्त करने की मांग उठाई। डॉक्टर टीके चटर्जी, एसपी फाउंडेशन का डायरेक्टर हूँ। मैंने हम लोग आज यहाँ पर 38 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया, तो ये कोविड-19 पर जानते हैं विश्व महामारी के रूप से आज सारी दुनिया को जिस तरह से झकझोर दिया, ये बीमारी जो है 100 साल में इस तरह का एक बीमारी आता है और इसमें करोड़ों लोग ग्रसित हुए, लाखों लोग का मौत हो चुका है। तो हमारे देश में भी इस तरह से कई भ्रांतियाँ भी फैल गया था, मैंने कोरोना को लेकर जो एक डर सारे समाज में व्यक्त है, इसका हम लोग खिलाफ करते हैं। और जमशेदपुर के भालूबासा में अर्पण महिला समिति के द्वारा दिव्यांगों और अतिथियों को सम्मानित किया गया। वहीं इस मौके पर पूर्व मंत्री सह विधायक सरयू राय, पत्रकार विनोद केसरी, संजीव आचार्य, सामाजिक महिला सबाना बानू उपस्थित रहे। वहीं अर्पण के अध्यक्ष सीमा दास और समिति के सदस्यों ने रविवार को अतिथियों को बुके और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इसके अलावा दिव्यांगों को भी सम्मानित किया। वहीं विधायक सरयू राय ने कहा कि महिलाओं के प्रति जो बन पड़ेगा उनको मदद करने का प्रयास करूंगा। मैं किरण देवी हूँ जी। मैं अर्पण महिला समिति के द्वारा अपाहिज महिलाओं को जो अपने लाइफ में बहुत संघर्ष करते हुए अपने घर परिवार को चला रही है और आगे मतलब बढ़ने की क्षमता रखती है, ये हमारी शुरुआत है अर्पण महिला समिति के द्वारा से। हम चाहते हैं कि जितने भी महिलाएं हैं, कोई भी बेकार नहीं है, वो अपने हाथ पाँव को नहीं सही रहने के बावजूद भी, अपाहिज रहने के बावजूद भी अपनी जिम्मेवारी को अच्छे तरीके से निभा सकती है और कोशिश है कि उन लोगों को भी रोजगार दिया जाए, उन लोगों को भी समाज के सामने सम्मान से जीने के अधिकार है। और इसमें हमारी महिला समिति के द्वारा, अर्पण महिला समिति के द्वारा एक छोटी सी शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर के नव निर्वाचित अध्यक्ष संजीव भरद्वाज के द्वारा रविवार को नई कमेटी की घोषणा की गई, जहां 27 कमेटी पदाधिकारी एवं 31 कार्यकारिणी सदस्य गणों को नई कमेटी में शामिल किया गया।
गौरतलब हो कि प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर के स्थापना काल से लेकर अब तक के इतिहास में पहली बार निर्वाचन की प्रक्रिया से अध्यक्ष को चुना गया, जिसमें पहले निर्वाचित अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार संजीव भारद्वाज को अध्यक्ष के रूप में पिछले 17 सितंबर को चुना गया था और शनिवार को अध्यक्ष के द्वारा नई कमेटी की घोषणा की गई, जिसमें 27 कमेटी मेंबरों को स्थान दिया गया। वहीं 31 कार्य समिति सदस्यों की घोषणा भी की गई। अध्यक्ष संजीव भारद्वाज ने कार्यकारी अध्यक्ष रवि झा और संतोष कुमार सहित महासचिव श्याम झा एवं अन्य अमृता को सर्टिफिकेट प्रदान किया। वहीं बाकी तमाम कमेटी पदाधिकारियों को भी सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। नई कमेटी ने पत्रकार एकजुटता एवं पत्रकार हित में कार्य करने का संकल्प लिया। अभी आज कमेटी का गठन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर की नई कमेटी का विस्तार किया गया है। सभी अनुभवी और जिम्मेदार साथियों को कमेटी में शामिल किया गया है। कमेटी सबके साथ मिलकर चले, सब लोगों को साथ मिलाकर चले, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। कमेटी में हर वर्ग को शामिल किया गया है। युवा वर्ग को आगे लाया गया है ताकि वो अपनी नई सोच के साथ, नए विजन के साथ समाज में अपने आप को साबित कर सके और जो चुनौतियां आ रही हैं उसका वो सामना कर सके। नई पीढ़ी काफी अच्छा काम कर रही है, उन्हें अधिक अवसर प्रदान किया गया है। वहीं ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन और जावेद एकेडमी के द्वारा ओल्ड पुरुलिया रोड नंबर 17 में गरीबों को निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला अध्यक्ष सालिक जावेद ने जानकारी दी। जावेद एकेडमी के साथ मिलकर एजुकेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, बच्चों में पढ़ाई को लेकर जागरूकता लाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया जा रहा है। बच्चे जो पैसे नहीं होने की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं या किसी अन्य कारणों से पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी, वैसे बच्चों को यहाँ शिक्षित किया जाएगा। ये जो है ना AIMIM ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, उसका कार्यक्रम है जावेद एकेडमी के साथ मिलकर। ये हम ना एजुकेशन पे काम करने जा रहे हैं। ये काम है ओल्ड पुड़िया रोड, आप जानते होंगे ओल्ड पुड़िया रोड में ये रोड नंबर 17 है, यहाँ पे अवेलेबल है ये जावेद एकेडमी। इनके साथ हमने एक टाइप किए कि बहुत सारे बच्चे हैं जो इन बिटवीन एजुकेशन के बीच में ही ना अपना ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं या फाइनेंशियली या मोरली कोई सपोर्ट की वजह से छोड़ दे रहे हैं, उनको ला रहे हैं कि आप आओ और पढ़ो, हम आपके साथ हैं, आपको कुछ फाइनेंशियली या बुक और कुछ भी सपोर्ट चाहिए हम आपको देंगे। हमारी पार्टी जहाँ पर अवेलेबल है तेलंगाना में, आप वहाँ देखो हमारा सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन एजुकेशन की तरफ है। फिर हम हेल्थ में आ रहे, पहले हम लोग ने यहाँ पे हेल्थ से शुरू किया, स्पोर्ट्स पे गए, अब हम एजुकेशन को अपना मेन मुद्दा बना। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। बिष्टुपुर करबला में एक युवती को जंजीर से बांध कर किया गया कई दिनों तक कुकर्म, पुलिस मेडिकल जांच की तैयारी कर मामले की छानबीन कर रही है। बारागोड़ा में 40 घरों में घुसा पानी, गांव के बाहर संपर्क टूटा, प्रभावित परिवार दाने दाने को मोहताज। जेपीएससी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा केंद्रों का डीसी सूरज कुमार ने लिया जायजा। और किन्नरों ने की अपने कुल देवी खुदुरकोने की पूजा, 3 दिनों तक चलेगी पूजा। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज़ के पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।